बेटा वो संध्या कभी बताए बिना जाती नहीं है। चाचा जी आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं अभिमन्यु को फोन करती हूँ। हाँ हाँ बेटा कर। हेलो, हाँ प्रीति बोलो। हेलो अभिमन्यु, सुनो ना, वहाँ रिमझिम गई और यहाँ पे चाची जी का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया है, वो कहीं नहीं है। मुझे लगता है ना वो कहीं बाहर ही होंगी। हाँ ठीक है, हम देखते हैं। तुम घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, बाहर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अच्छा रिमझिम मिली क्या? नहीं रिमझिम नहीं मिली, हम उसको कमला को ट्रेस कर रहे हैं। अगर कमला मिल जाएगी तो रिमझिम भी मिल जाएगी। अभिमन्यु यहाँ पड़ोस में लोग बोल रहे हैं कि उन लोगों ने कमला को बाहर हवा में उड़ता हुआ देखा और सुलेखा को रोड पे ऐसे चलते हुए देखा जैसे बाहर ज़ॉम्बी घूम रहा हो। हालात बेकाबू हो रहे हैं। मैं कुछ नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि रिमझिम और चाची जहाँ भी हो सेफ हो। मैं बाहर जाके देखूँ क्या? तुम्हें घर से बाहर नहीं निकला, तुम खिड़कियों दरवाजे बंद करो। हाँ बाहर बिल्कुल सेफ नहीं है। और हाँ सबका ध्यान रखो और माँ को अकेला मत छोड़ना, और कोई भी दरवाजा लॉक करे तो खोलना नहीं है, किसी को अंदर आने नहीं देना है, स्पेशली किसी औरत को तो बिल्कुल नहीं। मैं मनियों में सबका ख्याल रख लूंगी, पर प्लीज तुम भी अपना ख्याल रखना। प्लीज ओके बाय। तुम्हें लगता है गांव में सिर्फ दो ही औरतें हैं जो इस राक्षस शक्तियों का शिकार हुई है? तुम्हें लगता है और भी होंगी? 100% ये राक्षस शक्तियां सिर्फ औरतों को ही अपना शिकार बना रही है। एक से दो, दो से चार, ये किसी तूफान का नहीं किसी प्रलय के आने की आहट है। पता नहीं चमक्या का क्या होगा। क्यों नहीं दिख रहा है? प्रीति अच्छे से फोकस करो, फिर से करती हूँ। गुड्डी को देखा किसे डार्क प्लेस में लेटे हुए पोजीशन में थी, पर मुझे रिमझिम क्यों नहीं दिख रहे? माँ मैं लाइट वाली गारंटी के कहने पर गुड्डी को भी यहाँ उठा के लाई। कमला और कुट्टी मिलकर मेरे विजन्स को ब्लॉक कर रहे हैं ताकि मैं रिमझिम को नहीं देख पाऊं। पर मैंने वो जगह देखी है, कहां हो सकते हैं वो डार्क प्लेस? गुड्डी बहुत अच्छी और भोली बच्ची है, इसे लाना तो बहुत आसान था, फिर भी मैंने इसका चेहरा ना पहचानने वाला बना दिया। और अब अभिमन्यु भैया ना तो इसे पहचान पाएंगे और ना इसे कुछ पूछ पाएंगे, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब वो भूत बन चुकी माँ के पीछे गोल गोल घूमते रहेंगे और मैं उनकी माँ का दिल निकाल के आपको जिंदा कर दूंगी। सिर्फ गुड्डी को उठा लेने से कुछ नहीं होगा, काम बहुत सारे हैं और टाइम बहुत कम। सिर्फ 5 दिन है तुम्हारे पास तुम्हारी माँ को जिंदा करने के लिए। 5 दिन।
वाली गारंटी। मैं जानती हूँ कि सिर्फ 5 दिन है और मुझे पता है मुझे क्या करना है। टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा, पर पूरा करना पड़ेगा। 5 दिन और 5 रातों में ही माँ को जिंदा करना है, वरना वो कभी जिंदा नहीं होंगी। तो अब हमें क्या करना होगा? जो मैं कहूंगी वो तुम सबको करना होगा, और अभी के लिए तुम्हारा काम है अभी उन्हें भैया। कैसे आ गए? मुझे तो लगा था कि गुड्डी के घर उन्हें ढूंढने कभी नहीं आएंगे। क्या करूं? क्या करूं? हमें यहीं से नेगेटिविटी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे शैतानी शक्तियों का भंडार है अंदर। हमें नहीं लगता हम इस सब के लिए तैयार हैं अभी। हमसे नहीं हो पाएगा।